Hey guys, welcome back to Mama Vanjay Vlogs। और आज की वीडियो हम करने वाले हैं Who knows me better challenge। इस वीडियो में होने वाले हैं दो पार्टिसिपेंट्स, एक तरफ होने वाली है मेरा भांजा और दूसरी तरफ होने वाले मेरी मम्मी। देखते हैं आज की वीडियो में कि कौन कितना मुझे जानता है। तो राइट दोस्तों, हम लाने जा रहे हैं अपने दोनों कंटेस्टेंट को, जो है एक है हमारा भांजा यानी बिक्की। तो बिक्की भाई जल्दी से आ जा, आ गया हमारा बिक्की कंटेस्ट नंबर वन। और दूसरा कंटेस्टेंट है हमारी मम्मी, तो मम्मी जी जल्दी आइए। मम्मी जी की तालियां, ये। तो फाइनली हम लोग के पास दोनों कंसिस्टेंट आ चुके हैं, सॉरी। एक तरफ है मेरी मम्मी, एक तरफ है मेरा भांजा। तो अपना क्वेश्चन का सिलसिला चालू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम करने वाले मम्मी Who knows me better challenge। इसमें चैलेंज में क्या होने वाला है, आज हम देखेंगे कि आप मुझे बिक्की ज्यादा जानता है या तुम ज्यादा जानती हो। ठीक है, इसमें मैं कुछ तुमसे सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा मेरे बारे में, वो तुम्हें बताने हैं। ओके ओके हाँ भाई, ओके भाई मुझे पता ही है। तुझे ज्यादा पता है? वो तो भाई पता भाई। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पता? पता, सब पता। सब पता है। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने मेरे क्वेश्चन से, व्हाट इज माय फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट कलर क्या है? फेवरेट कलर, फेवरेट कलर काला। राइट आंसर, काला कलर है और क्या। अरे यार ठीक है भाई, और अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इजी हो गया था, चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ नानी पॉइंट मिलेगा ना, एक पॉइंट मिलता है ना मम्मी की ओर। हाँ, इस पॉइंट में इसमें हम कुछ अलग सा करने वाले हैं, क्योंकि इसमें होने वाले ये है क्या, हम इसमें जो भी विजेता बनेगा उसकी एक विश को पूरा करने वाले हैं। विश यानी कि जो भी कुछ मम्मी कहेंगी या फिर भांजा कहेगा उसको आज एक पूरा करने वाले हैं, चाहे कुछ भी होगा कह सकते हैं वो लोग। ठीक है, उसको हम पूरा करेंगे, उसके साथ ही आज देखते हैं कौन विनर बनता है। अभी तो फिलहाल मम्मी एक पॉइंट से आगे चल रही है, भांजा भी जीरो पे है, जो कबाड़ी है वो गजब बेइज्जती है। अब ठीक है, तो रेडी स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज माय ज़ोडिक ज़ेब्रा, मेरा ज़ोडिक ज़ेब्रा क्या है, यानी कि मेरी राशि क्या है? राशि भाई, राशि नहीं जानता भाई, मेष राशि। भाई साहब राशि वाशि वाले नानी जानेंगी ना। तो भाई साहब इस बार मम्मी को दूसरा पॉइंट मिल गया है भाई, बहुत बढ़िया। मम्मी अभी दो पॉइंट से आगे, विक्की जीरो। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। ओके, हमारा तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज माय फेवरेट फूड इन होम, फेवरेट फूड मैं जानता हूँ, दाल चावल। तुम्हारा क्या? मटर पनीर और चाप। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। इसमें मम्मी थोड़ा सा गलत हो गई, मेरा फेवरेट फूड दाल चावल ही है। ये। चलो ठीक है, दाल चावल है, मैं सबसे ज्यादा दाल चावल ही खाता हूँ, बिहारी में समझना भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो चलते हैं, अब देखते हैं मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट ना। हाँ, मेरा स्कूल सब्जेक्ट क्या है, जो मैं स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़ता था, सबको पता है। फेवरेट ना? ये नहीं पता है। मम्मी को नहीं पता है। इंग्लिश। हाँ, तो इसमें बिक्की को मिल गया। अब दोनों लोग के बीच में हो चुका है बराबरी, टाई। अब दोनों लोग आ चुके हैं, दो पे आ चुका है बिक्की, दो पे आ चुकी है मम्मी, दो दो क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अब मेरा है क्वेश्चन नंबर अगला, हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स आई हैव, सबसे ज्यादा मेरे पास कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है? भाई पर्सनली मत लेना। भाई विक्की बता, मेरी क्वेश्चन ज्यादा जोक लग रहा है। मम्मी होंगी दो चार है, दो चार चार। और आपके बार बोल दिया ने तो। भाई मेरे हिसाब से एक भी नहीं है बस। सारी उम्र मैं जो कर, तो यार इस समय बस सही पॉइंट मिलता है विक्की को फिर से कि मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है भाई। मम्मी का तो कुछ भी, मुझे पूरा विश्वास है भाई, नहीं है। यार इतना तो बुरा नहीं हूँ यार मैं, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? जैकी। ये तो डायरेक्ट आंसर बताती है जैकी। तो भाई यार भाई तेरा क्या है भाई? जैकी होगा भाई, तुमने बता ही दिया। तो ठीक बात है। तो भाई इस आंसर मम्मी को मिलते हैं, कितना तीसरा पॉइंट है, मम्मी तीसरा पॉइंट पे भी आ गई है। हाँ तीसरे पॉइंट पे आ गए हैं मम्मी। हाँ तेरे दो हो गए, मम्मी के तीन हो गए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। तो इसी के साथ आप तीसरे पॉइंट पे आ गए, मम्मी एक पॉइंट से आगे चल रही है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद व्हाट इज माय फोबिया, मुझे किससे ज्यादा डर लगता है? किससे डर लगता है? हाँ अरे घर में किसी, बाहर से कुछ भी हो सकता है।
किससे डर लगता है मम्मी बताओ? पानी से। अरे यार इन्हें सब पता है यार। यार तुझे कैसे नहीं पता तू मेरे साथ रहता है सारा दिन स्विमिंग पूल में? अरे भाई क्या बता जानू मुझे क्या बता। What is the birth of the time and the day? मेरे जन्म का टाइम क्या था और दिन क्या था? सारे नानी वाले क्वेश्चन है, मैं क्या जानू इसको? भाई तू भी जानता है। भाई मैं क्या जानू? सुबह आज सुबह तूने तेरी जन्म कौन ईयर जानता? ईयर जानता 2000 ईयर है बस। अच्छा डे क्या था उस दिन? डे हां डे तो मैं था उस दिन। मम्मी बताएंगी। सन 2000 5 सितंबर दिन मंगलवार सुबह 11 बजे। भाई साहब एकदम करेक्ट, क्या बात है, मम्मी को पूरा पता है। ठीक है भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मम्मी हो चुकी है 5 पॉइंट से आगे, विक्की अभी भी तीसरे पॉइंट पे अटका पड़ा हुआ है। ठीक है मुझे सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद है भाई? देखना पसंद है फोन टीवी इसमें ऐसे कुछ? हाँ फोन टीवी या क्या करता हूँ मैं सारा दिन, क्या देखना पसंद होता है मुझे? फोन देखते पूरे दिन, पूरा फोन देखता हूँ। चलो भाई इसमें विक्की को एक पॉइंट मिलता है, विक्की के होगा 4 पॉइंट बराबर। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा अपना टाइम पूरा किसके साथ स्पेंड करता हूँ पूरे दिन का? अपने भांजियों के साथ हूँ। ये तो सच बात है भाई, मैं अपने पूरा दिन अपने भांजियों के साथ ही रहता हूँ क्योंकि चैनल का नाम भी मामा भांजी, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। नानी लाइक लाइक करवा दो, लाइक करने के लिए बोल दो, बोल दो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो भाई, कर दो भाई। पहली बार मम्मी वीडियो में आई है भाई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट कर लेना। ठीक है भाई ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन डिजिटल मार्केटिंग। और तुम्हारा? सबको पता है आई एम डिजिटल मार्केटिंग। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। और तो इसी के साथ ये भाई साहब ये भी साथ मम्मी होती है हमारी आज की वीडियो की विनर। तो मम्मी के लिए ये मम्मी आज की डेट में हमारे जीत चुके हैं, तो मम्मी की अब एक विश को हम पूरा करना चल रहे हैं, जो मम्मी आप बोलेगी उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है मम्मी अब बताओ आपको क्या कर विश पूरी कर सकता हूँ मैं, बताइए क्या कर सकते? कुछ भी बोलो, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, मांगो इतना कुछ मत मांगना, बहुत मत मांगा लेना भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। मेरी सेवा करते रहना बुढ़ापे, मतलब तो भाई ठीक है मम्मी के कहना है कि मम्मी का कि बुढ़ापे तक उनकी सेवा करना है, तो उनकी विश को पूरा करेंगे, बुढ़ापे तक उनकी सेवा करेंगे। ये काफी लंबी विश होगी वैसे। तो मिलते हैं किसी एक नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर दबा के ठोक के लाइक करना शेयर करना सबको। बाय बाय टाटा।